हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिसाइकल बिन के 7 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी रिसाइकल बिन के ये टिप्स नहीं जानते तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप रिसाइकल बिन के बारे में तो सभी जानते हैं, इसको कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं, यानी आप कुछ भी जो डिलीट करते हो इसी के अंदर आता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं। तो टिप्स नंबर वन दोस्तों, सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोल्डर यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद में ये इसके अंदर आ जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं ये बॉक्स भर चुका है, ठीक है, ये फोल्डर इसके अंदर आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको खाली करना चाहते हैं तो यहाँ से इम्प्रेटी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे तभी ये खाली होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई फाइल डिलीट कराए तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, मतलब जैसे कि आज आपने दिन भर फाइलें डिलीट की और शाम को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सब फाइलें डिलीट हो जाए, तो अगर आप इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेटिंग अंदर आना है, सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आने के बाद सिस्टम के अंदर आना है। सिस्टम के अंदर आने के बाद में आपको जाना है स्टोरेज। स्टोरेज में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देखिए दोस्तों, स्टोरेज सेंस। अगर आप इसे ओके कर मतलब ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद में चेंज हाउ टू फ्री अप स्पेस ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 30 डे, यानी 30 दिन बाद ये ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कर देते 1 डे, अगर आप एक दिन कर दे तो आप जैसे डिलीट करेंगे तो एक दिन बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों पहले टिप्स। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा टिप्स। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ भी डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि ये फोल्डर डिलीट करते हैं, देखिए मैं इसको डिलीट किया तो ये फोल्डर इसके अंदर आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो भी आप डिलीट करें वो इसके अंदर नहीं आए और डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो देखिए शिफ्ट के साथ यानी शिफ्ट बटन दबा दीजिए और फिर डिलीट दबाइए। देखिए मैं अभी डिलीट करता हूँ, जैसे मैं डिलीट किया देखिए वो इसके अंदर नहीं आया, ये हमारा जो बॉक्स है खाली खाली है। तो ये दूसरा टिप्स, अगर आप चाहते हैं कि जो डिलीट की हुई चीज़ इसके अंदर नहीं आए तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाए, ऐसा करने पर इसके अंदर नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए डायरेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा टिप्स। देखिए, तीसरा टिप्स ये है कि अगर आप कुछ भी डिलीट करते हो तो आप बिना डिलीट बटन दबाए डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी है आप इसके अंदर छोड़ देंगे ना तो भी वो डिलीट हो जाएगा, यानी माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस कीजिए और इसके ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा करने के बाद भी जो आपका फाइल फोल्डर जो भी है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा टिप्स। देखिए, जब भी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये एक बॉक्स आ रहा है येस और नो, ठीक है। Windows 10 के अंदर ये डिफ़ॉल्ट नहीं आता, आप सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स नहीं आए या आए तो क्या करना है, देख प्रॉपर्टी में जाना है और ये एक चेक बॉक्स है, इस पर लिख रखा है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग। अगर आप इसे अनचेक कर लेंगे और अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो अगली बार जब कोई भी फाइल आप डिलीट करेंगे ना तो ये बॉक्स नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स आए तो वापस यहाँ से इसको चेक कर देना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों चौथा टिप्स। और जो पाँचवा टिप्स है वो ये है कि देखिए, आप देखिए हर रिसाइकल बिन की साइज फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 GB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, मतलब सी ड्राइव, तो इसकी साइज हो जाएगी 4 GB, ठीक है। तो इस प्रकार है, अगर आप चाहते हैं तो इसकी साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपकी रिसाइकल बिन है उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, 10 GB भी कर सकते हैं, जो MB में दिख रहे कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई बड़ी फाइल डिलीट करते हैं तो वो पूछता है कि ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, तो क्योंकि इस आपकी जो रिसाइकल बिन है इसकी साइज छोटी है। अगर आप चाहते हैं इसकी साइज बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पांचवा टिप्स। छठा टिप्स ये है, देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी डिलीट करते हैं, जैसे कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो हमेशा रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि एफ ड्राइव, जैसे कि ये जे ड्राइव है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जे ड्राइव के अंदर जो मैं कुछ भी डिलीट करूँ वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो जो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है डोंट मूव फाइल द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएट बिन डिलीटेड, अगर आप इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे, जैसे मैंने ओके कर दिया
ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आप डिलीट करेंगे ना, वो फाइल आपके रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी। देखिए मैंने डिलीट किया, उसके अंदर नहीं आई, वो हमेशा डिलीट हो गई। लेकिन ये ऑप्शन दोस्तों आपको मेरे अनुसार चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी हमारी इम्पोर्टेंट फाइल भी डिलीट हो सकती है। इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा, मतलब मेरे अनुसार चेक नहीं करना चाहिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये हो गया दोस्तों छठा टिप्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो रिसाइकिल बिन है, मतलब सातवां टिप्स ये है, अगर आप इसकी आइकन चेंज करना चाहते हैं तो वो आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना, देखिए सबसे पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइजेशन के अंदर आइए। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद थीम के अंदर आइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है कि आप जो भरा हुआ रिसाइकल बिन है उसका आइकन कैसे रखना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको, आप कौन सा भी आइकन रख सकते हैं, और जब खाली आए तो उसका रिसाइकल बिन का आइकन कैसा हो ही आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से उसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो अब रिसाइकल बिन को खाली करते हैं ना, तो उसका साउंड भी चेंज कर सकते हैं विंडोज 7 के अंदर। 10 के अंदर शायद मुझे मिला नहीं, लेकिन 7 के अंदर ये जरूर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।